इंडियन रेड स्नेक और कहीं कहीं पर इसको घोर पिछाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जान बचाई ठीक है, बढ़िया। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं जस्सी डंडौता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल स्नेकमैन जी का 09। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, की स्नेक कॉल आई है रेस्क्यू के लिए, नज़दीकी है, चलते हैं, आप दिखाते हैं आपको कौन सा सांप है। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन वीडियो होती है आपके पास पहुंचता रहे। तो चलते हैं, दिखाते हैं प्लीज कौन सा सांप है। ये देखिए, बारिश का मौसम है, सुबह से बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है और पानी देखिए किस तरह से रास्ता है, वो बिल्कुल भरा हुआ है पानी से। चुके हैं स्नेक रेस्क्यू के लिए। ये किसानों का एक फार्म हाउस बनाया हुआ है जहाँ पर ये अपना जो सब्जी का वेजिटेबल का, ये देखिए इधर नेट हाउस जिसमें सब्जी पहले की जाती है और यहाँ पर उसका सामान रखा जाता है, सब्जी रखी जाती है, उसके अंदर एक सांप घुसा है। तो उसको यहाँ से करेंगे रेस्क्यू और फिर उसके बाद उसके बारे में देंगे प्रॉपर जानकारी। तो देखते हैं, चलते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तो चैनल वगैरह वहाँ पर पड़े हैं, उठाने पड़ेंगे। तो आइए,
करवा दिए सामने। तो दोस्तों वो जो सांप है वो दिख चुका है। वो थोड़ा आगे सर जो चैनल है एक बार मेरे हिसाब से सारे उठाने पड़ेंगे। तो दोस्तों जो सांप है वो दिख चुका है और इसको करते हैं रेस्क्यू, यहां से दिखाएंगे आपको, देंगे प्रॉपर जानकारी। उससे पहले आप ये देखिए कितनी मेहनत के साथ ये जो चैनल है गार्डन है उनको दूर करना पड़ रहा है। तो हटाते हैं इनको, थोड़े और कष्ट करना पड़ेगा। थोड़ी दूर बना रहे हूँ एंगल था। जा तो दोस्तों ये जो सांप है इंडियन रेड स्नेक, हिंदी में धावन और कहीं कहीं पर उसको घोड़छाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है सेंट प्रत्यासमोकोसा नॉन विनियस स्नेक बिना जहर का। तो इसको करते हैं ऐसे रेस्क्यू और पर्यावरण में जाकर कहीं पर करेंगे इसको रिलीज। ना यूरी ओए को थल्ला और पड़े सर बा कुर्सी के ऊपर ए पुलिस ले बनाई वीडियो रे नंदनवान ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों इसको कर लिया ऐसे रेस्क्यू इंडिया रेड स्नेक, वैज्ञानिक नाम प्रत्यासमोकोसा हिंदी में इंडिया धामन और कहीं कहीं पर इसको घोड़छाल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी माता जी है जिनके यहाँ पर फार्म हाउस है, इनके अंदर जो सांप था वो बैठा था। दादी कैसा लगा, बढ़िया लगा सांप पकड़ लिया? ठीक है बच्चा। अच्छा थोड़ी इसकी जान बचाई, ठीक है बढ़िया। तो जयपाल जी हैं हमारे भाई, जिन्होंने हमारे पास कॉल की हमें बुलाया। तो जयपाल जी कैसा लगा आपको ये सांप रखी? ठीक रहा, बची रहे इसकी जान बची, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, पर्यावरण में जाकर कहीं करेंगे इसको।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पर्यावरण में। आज आपके सामने दो सांप हमने रेस्क्यू किए हैं, इंडियन रेड स्नेक और एक हमारे भारत का नाग इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो इनको यहाँ पर करते हैं पर्यावरण रिलीज। उससे पहले दोस्तों हम एक मैसेज देना चाहते हैं जनता को कि अगर कभी भी सांप काटता है, किसी को स्नेक बाइट होती है, तो सीधा बिना सोचे समझे सरकारी हॉस्पिटल, जिले का सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर जाना है। तो ना तांत्रिक झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना। इंडियन रेड स्नेक को, जो इंडियन दामन सांप है, इसको इंद्रासी में छोड़ दो। ये देखिए, इंडियन रेड स्नेक पुट्ठा चला है। तो दोस्तों इन दोनों को यहाँ पर कर दिया है रिलीज पर्यावरण में। और बारिश का मौसम है, आज भी सुबह से बारिश बहुत ज्यादा तेज बारिश थी, तो फिर भी हम अपनी जान पर खेलकर इन जीव जंतुओं को बचाते हैं और घर घर जाकर इन सांपों को रेस्क्यू करते हैं। तो प्लीज इन्हें मारना नहीं है, अगर कहीं पर भी निकलते हैं तो इन्हें सेफ रखें, सेफ एनिमल सेफ नेचुरल, इसी तरह जीव जंतुओं को बचाते रहे। अगर कहीं पर सांप निकलता है तो एक रेस्क्यूअर को बुलाकर इन्हें रेस्क्यू करवाएं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।